हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। यार गाइस, अभी ना फाइनली बज गया है 9 और मार्केट अपना सेटअप बनाना शुरू कर दिया है। गाइस अपन ना जल्दी से चलते हैं अपने मोबाइल के एंजल वन ऐप में। जब तक मार्केट अपना सेटअप बनाता है यार, अपन तब तक चलते हैं और देख लेते हैं कल के चार्ट को कि यार कल का मार्केट अपने लिए कैसा था। गाइस तो फाइनली यार अभी बज गया है 9:02 और यार गाइस देखो, मार्केट अपना सेटअप बनाना शुरू कर दिया है। और गाइस अभी अपने को ना ऐसा लग रहा है कि यार मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है। तो गाइस चलिए अपन चार्ट देखते हैं कल का। तो गाइस अभी अपन ने 3 मिनट का चार्ट फ्रेम खोल लिया है। यार गाइस कल का मार्केट ना पूरा अपना सेटअप के हिसाब से चला था। गाइस ये देखो, अपन गाइस कल जैसे ही मार्केट खुला था अपन ने बोला था कि यार मार्केट जैसे ही खुलेगा आएगा नीचे। गाइस और ये देखो, यहाँ पे 18,580 रुपये को सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया है और मार्केट सीधा यहाँ पे नीचे आ गया है। गाइस उसके बाद गाइस मार्केट यहाँ से फिर से अप ट्रेंड बनाने लगा था, लेकिन यहाँ तक यदि अपन ने यहीं कहीं से अपनी पोजीशन को बनाया होता तो 1,200 का प्रॉफिट हो जाता, लेकिन अपन ने कंफर्मेशन के बाद अपने ट्रेड को बनाया था, इसलिए गाइस अपने को यहाँ पे 550-550 के आसपास का प्रॉफिट हुआ था। गाइस उसके बाद देखो, यहीं से अप ट्रेंड बन गया था और गाइस उसके बाद फिर मार्केट काफ़ी हद तक साइडवेज चला था। देखो मार्केट करीब 1:30 बजे के आसपास से फिर से डाउनफॉल दिखा दिया। गाइस तो मार्केट यहाँ पे लोअर लो बनाते 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 18,487 रुपये में क्लोज हो गया। यार गाइस तो अभी फाइनली मार्केट है अपने कैलकुलेशन और अपने सेटअप के हिसाब से चलने लगा है। अब देखते हैं गाइस कि आज शुक्रवार है और आज मार्केट क्या और कैसा चलता है। वैसे गाइस अभी अपने को देखने में लग तो रहा है कि यार मार्केट गैप अप ओपन होने वाला है, लेकिन गाइस फिर भी अपन 9:10 होने का वेट करते हैं और देखते हैं कि यार मार्केट आज कहाँ खुलेगा। गाइस तो यार फाइनली अभी बज गए 9:12 और यार अपने मार्केट ने अपना सेटअप बना लिया है। गाइस अभी अपन जितना देख पा रहे हैं अपना मार्केट जो है यार कल की क्लोजिंग से 63 रुपये और 10 पैसे आज गैप अप ओपन होगा। यार गाइस और अपन यदि ग्लोबल मार्केट की बात करें यार, तो गाइस आज ग्लोबल मार्केट आज अपने को बुलिश देखने को मिल रहा है। यार गाइस तो फाइनली मार्केट ने अपना सेटअप बना लिया है और अपन जितना देख पाए हैं यार पूरा मार्केट आज बुलिश है। अपना मार्केट भी गैप अप ओपन हुआ है और ग्लोबल मार्केट भी बुलिश है। तो गाइस ऐसे में यदि अपन अपने सेटअप की बात करें, अपने स्ट्रेटजी की बात करें यार गाइस, तो आज अपने को ऐसा लगता है यार गाइस मार्केट आज जैसे ही खुलेगा ना 10 से 20 पॉइंट 25 पॉइंट नीचे आ सकता है और गाइस उसके बाद मार्केट को ना ऊपर जाना चाहिए। तो गाइस अपन वेट करते हैं 9:15 का और देखते हैं कि यार आज मार्केट कहाँ जाता है। गाइस आज भी ना कल की तरह यदि अपने को कन्फर्मेशन होगी तो अपन पोजीशन बनाएंगे, नहीं तो अपन बस मार्केट को आज भी एनालाइज करेंगे। तो चलिए गाइस अपन वेट करते हैं फिलहाल तो 9:15 का। वैसे ना गाइस आज अपने को पूरे चांसेस लग रहे हैं कि यार मार्केट को आज ऊपर जाना चाहिए। गाइस तो फाइनली यार अभी बज गए हैं 9:15 और मार्केट चालू हो चुका है और गाइस अभी अपन जितना देख पा रहे हैं ना मार्केट आने लगा है नीचे। गाइस अभी अपना का है चार्ट में और गाइस ये देखो मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है। गाइस चलिए अपन यहाँ से ऑप्शन चेन में चलते हैं। तो गाइस अभी अपन ऑप्शन चेन को जितना देख पा रहे हैं यार, ऑप्शन चेन भी बोल रही है कि यार मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है। गाइस वैसे अपने को तो यही कन्फर्मेशन है कि यार मार्केट यहाँ से कम 10 से 20 पॉइंट तो नीचे आना चाहिए। गाइस देखो मार्केट को ना अभी खुले हो गए हैं यार कम से कम 3 मिनट और गाइस मार्केट ना यहीं साइड बेस हो रहा है। ये देखो गाइस 58 तक गया गाइस हाई मारने के लिए और 40 में आया लो मारने के लिए। और गाइस वैसे अपने को लग तो रहा है कि यार मार्केट यहाँ से जाएगा ऊपर। तो गाइस अपन आज का प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन करने के चक्कर में अपन एक काम करते हैं, 18,550 की कॉल जिसकी प्रीमियम प्राइस अभी 112-113 रुपये है, इसे बाय कर लेते हैं। गाइस देखो जैसे अपन ने बोला कि यार अपन इस प्रीमियम प्राइस को बाय कर लेते हैं और सीधे गाइस इसकी प्रीमियम 4 रुपये बढ़ गई, यानी कि अपने को 200 रुपये के यहाँ पे प्रॉफिट हो गया होता। गाइस अभी बज गए 9:26 और गाइस देखो अभी मार्केट नीचे कैंडल बना रहा है, यानी कि गाइस मार्केट अपने सेटअप के हिसाब से गया तो ऊपर था लेकिन गाइस अब मार्केट नीचे आने लगा है। गाइस अभी कुछ देर पहले अपन ने जहाँ पे अपने स्ट्राइक प्राइस को जहाँ से ख़रीदा था यार गाइस देखो उसमें अपने को अभी कम से कम यहाँ पे 200-250 रुपये के आसपास का लॉस है। गाइस जब मार्केट 18,557 रुपये में था तब अपन ने ख़रीद लिया था और 70 तक गया था तो अपने को 200-300 का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन गाइस देखो अपन ने जहाँ से ख़रीदा था
वहाँ पर आने के बाद भी अपने को अब यहाँ पे 300 रुपये के आसपास का लॉस हो गया है यार। गाइस तो देखो यार, फाइनली यार अभी बच गए 9:30 और मार्केट ने अपने को अभी चूना लगा दिया। गाइस जैसा कि अपन जानते हैं कि जब मार्केट 18,554.56 था, तब यार अपन ने अपनी पुट को बाय किया था 113.14 में। और यार गाइस जब मार्केट 70-72 तक गया था, उसके बाद भी अपने को 350 के आसपास का प्रॉफिट दिख रहा था। लेकिन गाइस जैसे ही मार्केट 64-65 में आया, अपन गाइस नो प्रॉफिट नो लॉस में दिखने लगे थे। तो गाइज अपने एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने बैंक निफ्टी की एक पुट के बारे में से एक क्वेश्चन किया था कि भाई मैंने इतने का ये पुट खरीदा था, टारगेट अचीव हो गया, लेकिन फिर भी अपने को प्रॉफिट नहीं दिख रहा था, तो ऐसा क्यों? तो गाइज उसका रीज़न यही है कि यार मार्केट में उतनी वॉलेटिलिटी नहीं है और मार्केट कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है। इस वजह से ना गाइज अपन ने अभी खुद देख लिया गाइज कि अपन ने जहाँ से अपनी प्रीमियम को बाय किया था यार, 10 पॉइंट ऊपर होने के बाद भी अपन नो प्रॉफिट नो लॉस में आ गए थे। तो गाइज मेन रीज़न यही है कि यार मार्केट अभी कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है और वॉलेटिलिटी ना होने के कारण थीटा डी के लगता है, और उसकी वजह से गाइज अपने प्रीमियम बहुत तेज़ी से मेल्ट होती हैं, और इस वजह से अपना टारगेट अचीव होने के बाद भी यार अपन नो प्रॉफिट नो लॉस में ही रह जाते हैं। तो गाइज आज की डेट में यार अपने को अभी कम से कम 250-300 रुपये के आसपास का लॉस हो चुका है, अपन ने अपने पोजीशन को यहाँ से एग्जिट कर लिया है। इस फाइनली यार मेरी आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार अच्छे चैनल को सब्सक्राइब कर। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।